बिग बॉस की टीआरपी लिस्ट क्या है? मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी कि भाई टीआरपी लिस्ट जो है इस बार आएगी तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग कर देगी, और सच में टीआरपी लिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया है। ये टीआरपी लिस्ट जो है, जब आयशा खान ने बिग बॉस के घर में एंट्री की, जिस एपिसोड को, जिस एंट्री को 3 दिन तक घुमाया गया घुमाया गया घुमाया गया और जनता को इरिटेट किया गया किया गया, तो जनता इरिटेट होगी। अगर जनता इरिटेट हो गई तो इन लोगों को टीआरपी क्या आएगी? नहीं भाई, कभी नहीं आएगी। जनता को जैसे खुश करना है, जनता जो चाहती है वैसे किया जाए तो जनता खुश होगी, अदरवाइज जनता जो है इनको प्रॉफिट देगी नहीं। तो आप लोग जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच। तो बिग बॉस की ओवरऑल टीआरपी है 1.7, जो कि एवरेज है। इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा प्रोमो खींचा गया, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें हुई बाहर, जो है हैशटैग्स टैग्स जो है चले, मेगा ट्रेंड तक चले, जहाँ पर लोग जो है मुनव्वर की सपोर्ट में उतरे। पर फिर क्या हुआ, इस पूरे हफ्ते जो आयशा खान ने किया, लोगों ने उस चीज़ को पसंद ही नहीं किया, लोग इरिटेट हो गए, पिस्ड ऑफ हो गए, जिसके कारण लोगों ने बोला कि भाई हमें देखना ही नहीं है, इरिटेट हो चुकी हैं काफ़ी सारे। तो लोग मेरे ही चैनल पे जो व्यूवर्स है वो ये बात बोलते हैं कि हमने बिग बॉस देखना छोड़ दिया, हम आपका रिव्यू जो है, आपकी गॉसिप जो है वो सुनते हैं, वो बिग बॉस से ज़्यादा बेटर जो है आपकी गॉसिप लगती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो लोग ये बात बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा टीआरपी जो है इसमें वीकेंड के वार की है, पर इसके आने के बाद कुछ चेंजेस नहीं हुए। मुझे तो लगा था दो दो ढाई हो जाएगा, और शिव शक्ति से अच्छा चल रहा है कलर्स पे, परिणीति अच्छा चल रहा है, बिग बॉस से अच्छा चल रहा है, ये सीरियल्स चल रहे हैं अच्छे, उनकी टीआरपी 1.9 है। यहाँ पर तो इसकी 2.1 2.2 होती तो कितना अच्छा होता कि भाई क्या हिट जा रहा है भाई, सुपर डुपर हिट जा रहा है, बट ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुए। इसीलिए तो मेकर्स भी ये चीज़ सोच रहे हैं ना कि भाई अब बढ़ाया ना जाए शो को, ज़्यादा बेटर है आगे अभी एक्सटेंड ना किया जाए, बिकॉज हमें लॉस हो रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।